जय हिंद फ्रेंड, वेलकम है फैंटेसी गुरु केडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आइए हम बात करते हैं जबलपुर T20 प्रीमियर लीग के बारे में, जो कि इस मैच का 17वां मैच खेला जाएगा, जो सुबह 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ये खेला जाएगा समंदियारी फाइटर्स वर्सेस रॉयल स्टार क्लब के बीच में। रॉयल स्टार क्लब एक वीक टीम है और समंदरिया फाइटर्स एक स्ट्रॉन्ग टीम है। अपनी 4 में से 3 मैच विन करके आ रही है और 1 मैच हार कर आ रही है। आइए हम डीपली एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्लेयर हमें स्मॉल लीग विन करवा के देगा और कौन सा प्लेयर हमें जीएल विन करवाने में काफ़ी हेल्प करेगा। ये है हमारा ऑफिशियल फैंटेसी गुरु केडी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इन्हें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और इनको शेयर करना भी ना भूलें। और ये है हमारा फैंटेसी गुरु केडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें। ग्रैंड लीग की टीम के लिए और स्मॉल लीग की टीम के लिए, स्मॉल लीग की टीम मेरी टीम काफ़ी रिस्की होती है तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर लेना आप, ठीक है। जैसे कि आज का मैंने मैच दिया था, सुबह का मैच का, सिर्फ एक प्लेयर की वजह से कम 50% बंदे का लॉस हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं पहले ही बता रखा हूँ मैं थोड़ा रिस्की लेके चलता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि ये टीम वीक है और ये टीम स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने वीक टीम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मान लिया था और उसे अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था, बट ये है कि उनकी टीम ने कोई विकेट नहीं निकाला, गलती यहाँ हो गई। आइए सॉरी भाई, आगे से ठीक दूंगा भाई, कोशिश यही रहेगी अच्छी टीम दूँ आपको। आइए बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। ये है RS क्लब के प्लेयर स्टेटस, जो कि लास्ट मैच का स्कोर देख लो उनका। गौरव पाटिल विकेट कीपर सेशन से 1 रन बनाए, अनिल पासवान 23 रन, राहुल शर्मा 19 रन बनाए हैं और उसके बाद शुभम यादव जो टीम के कैप्टन है 13 रन बनाए। एक बात याद रखना, जो भी टीम का कैप्टन होता है या तो बहुत अच्छा करके देता है या तो बहुत बुरा करके देता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जैसे जो टीम का कैप्टन ना चले, जैसे इंडिया में अपना रोहित शर्मा है, 10 मैच में फ्लॉप होगा तो 1 में चलेगा, ये लगभग मैंने देखा है इस चीज़ को, तो 80% ऐसा ही होता हैगा। आइए उसके बाद बात करते हैं अभिषेक काकड़े के बारे में, जिन्होंने 4 रन बनाए हैं, और परवीन मनोवर जिन्होंने 1 रन बनाया, उसके बाद प्रतीक गंगुटे जिन्होंने 0 रन बनाया, उसके बाद सचिन शिंदे जिन्होंने 1 रन, उसके बाद अभिषेक यादव जिन्होंने 0 रन, उसके बाद आकाश बर्दे जिन्होंने 7 रन, उसके बाद आयुष रामचरण जिन्होंने 0 रन। टॉस जीतकर MHC की टीम पहले बैटिंग ली थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, इसीलिए इनकी टीम 100 रन भी नहीं बनाई। आइए इनके बॉलरों के बारे में बात करते हैं। आकाश बर्दे जिन्होंने 4 ओवर देकर 1 विकेट लिया, उसके बाद अनिल पासवान कोई विकेट नहीं 2 ओवर की स्पेल में, उसके बाद अभिषेक काकड़े जिन्होंने 4 ओवर की स्पेल में 1 विकेट लिया, उसके बाद अभिषेक यादव जिन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 1 विकेट लिया, उसके बाद आयुष रामचरण जिन्होंने 1 ही ओवर डाला, उसके बाद प्रतीक गंगुटे जिन्होंने 3 ओवर के स्पेल में 1 विकेट लिया, उसके बाद राहुल शर्मा जिन्होंने 2 ओवर के स्पेल में कुछ खास नहीं करवाए। यहाँ से ध्यान रखना काफ़ी आकाश और अभिषेक, उसके बाद अभिषेक या आशीष यादव, ये अपने स्पेल के 4 ओवर पूरे डालेंगे और विकेट टेकर बॉलर है, इनको लेकर चलना है। आइए अब बात कर लेते हैं हम समंदरिया फाइटर्स के प्लेयर स्टेटस के बारे में। समंदरिया फाइटर्स लास्ट मैच में मैंने कहा था कि ये टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, अपना लास्ट मैच हार कर आ रही है और जीतने की पूरी कोशिश करेगी, तो हुआ भी ऐसा ही। देखो इनको स्कोर कार्ड, आदर्श दुबे जिन्होंने 78 रन बनाए, उसके बाद आए देवांश यदुवंशी जिन्होंने 11 रन बनाए, उसके बाद अथर्व मैंने कहा था इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा और उन्होंने 105 रन की पारी खेली, सॉरी यार, उसके बाद आर एन देशमुख पे खास तौर से ध्यान रखना, ये अपने स्पेल के 4 ओवर भी डालते हैं और विकेट टेकर बॉलर भी हैं। उसके बाद चिराग टक जिन्होंने कुछ रन भी बनाए, तो इस मैच में अच्छा खासा कुछ कर
जी रन आउट हो गए, तो इस मैच में काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आयुष मार्कन जो कि एक रन बनाया, उसके बाद है शारस्वत भदौरिया जिन्होंने जीरो रन बनाया। आइए हम इसको बॉलरों के बारे में जान लें। यही टीम होती है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग टीम काफ़ी अपना रन अच्छा बना ले तो वो अपने किसी भी बॉलरों को यूज कर सकती है। देखो 8 बॉलरों का यूज़ किया है। पुलकित गिरी 2 ओवर 1 विकेट, उसके बाद अनुराग मालविया जिन्होंने 3 ओवर में 1 विकेट नहीं, उसके निखिल राजपूत 3 ओवर में कोई विकेट नहीं, उसके आयुष देशमुख जिन्होंने 4 ओवर डाल के 3 विकेट। मैंने कहा था इस पर ध्यान रखना और इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ले के चलना, ठीक है। अथर्व हो गया और उसके बाद देशमुख और दुबे, इन तीनों का ध्यान रखना है। ये खास है, इनको तीनों को रोटेट करके चलना, कैप्टन वाइस कैप्टन करके बैटिंग, अगर बॉलिंग करें तो देशमुख को कैप्टन बनाना, अगर बैटिंग करें तो अथर्व और दुबे इनमें से किसी एक को करके चलना, ठीक है। उसके बाद है देवांश यदुवंशी जिन्होंने 2 स्पेल में कुछ अपना कोई विकेट नहीं लिया। उसके बाद आयुष मार्कंड, आयुष मार्कंड का बैटिंग भी पहले आ जाती है और ये अपने स्पेल के पूरे बॉलिंग भी डालती है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना, कल कुछ अलग ही करके देंगे। फिर आदर्श दुबे जो कि टीम के कैप्टन हैं, कैप्टन के साथ साथ काफ़ी अच्छा किया कल। उसके बाद अथर्व जिन्होंने 1 ओवर के स्पेल में 1 विकेट डाला। आइए अब डेमो टीम बना के देख लेते हैं। यहाँ से लेंगे हम चिराग टक्कू, ठीक है, और उसके बाद लेंगे हम एस भदौरिया जिन्होंने मैंने लिया कल और कुछ अच्छा नहीं किया इन्होंने, तो उनकी बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होती है। फिर सिलेक्शन दुबे का देखना ध्यान से, अगर जैसे ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो एक आध दो के ऊपर वाइस कैप्टन करके चलना, जैसे अगर इसको ले रहे हो तो इसको छोड़ देना, इसको ले रहे हो तो इसको छोड़ देना, क्योंकि कब क्या बैटिंग चेंज कर दे स्ट्रॉन्ग टीम में कोई पता नहीं। इसके बाद अथर्व का सिलेक्शन कम है, मगर ध्यान रखना, इन पर नज़र बनाए रखना, लास्ट में इन्होंने सेंचुरी मार कर आ रहे हैं तो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं काफ़ी एक आंकड़े, ठीक है। इसके बाद मारकंडे मूवर्स दरिया, इनको तो लेके ही चलना है इन तीनों को। उसके बाद इधर से जाधव नहीं गंगूडे जो कि अपने स्पेल के पूरे 4 ओवर डालते हैं। उसके बाद इधर से यदुवंशी जिनका सिलेक्शन कम है, ठीक है, आप देख लेते हैं। ये हो गई हमारी टीम, इनमें वाइस कैप्टन जो सबका है वही हमारा होगा, जो सबका है वही हमारा होगा, ठीक है। ये हो गई हमारी टीम। अगर देखो जब बॉलिंग करें पहले सुंदरिया फाइटर्स तो कैप्टन कर देना है देशमुख को और वाइस कैप्टन कर देना है अथर्व को या फिर दुबे को, ठीक है। अगर ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो इधर से मालविया को छोड़ के चलना, क्योंकि खास उतना अच्छा खासा नहीं करते, मगर इसका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो कई टीमों में लेके भी चलना। ये हो गई हमारी डेमो टीम। आइए एक बार अपने चैनल और टेलीग्राम चैनल के बारे में जान लें। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इससे ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें। अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने आज सुबह ही जब मैच स्टार्ट होने से पहले मैंने वीडियो में डेथ ओवर और ओपनिंग ओवर के बॉलरों को नहीं बताया था जो कि न्यूजीलैंड वुमेन और बांग्लादेश वुमेन के बीच होना था, तो मैंने बाद में ही उसे टाइप करके भेजा ताकि वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जैसे वीडियो में कुछ भूल जाता है तो मैं भूल जाता हूं तो मैं बाद में टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ। ये हो गया हमारा टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन होना ना भूले और शेयर करना ना भूले। और ये हो गया हमारा यूट्यूब चैनल फैंटेसी गुरु केडी, इसको शेयर करना और ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूले। आपने इस वीडियो के लिए काफ़ी कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं अगली वीडियो।